गुड मॉर्निंग एवरीवन सभी को वॉइस क्लियर आ रही है ये सर गुड मॉर्निंग सर वॉइस क्लियर है सर लास्ट क्लास में हम लोगों ने वोल्टेज बायस सर्किट का स्टेबिलिटी फैक्टर फाइंड आउट किया था राइट right? इसमें किसी को कोई डाउट या प्रीवियस जितनी भी बायसिंग सर्किट हुए उनमें कहीं किसी को कुछ डाउट थोड़ा सा डिस्कशन इसमें यह बचा था कि स्टेबिलिटी फैक्टर में हमने ये बता दिया था कि भाई अगर आप इसको थोड़ा सा और सॉल्व करोगे इस इस स्टेबिलिटी फैक्टर को तो इक्वेशन तक पहुंच सकते हो S Rb Re. ठीक तो यहां पे कैसे पहुंचना है और एक डिस्कशन ये देखो जब तुमने कलेक्टर टू बेस बायसिंग पढ़ा था जब तुमने यहाँ कलेक्टर टू बेस बायसिंग पढ़ा था वहां पर जो आईसी की वैल्यू हम फाइंड आउट कर रहे थे ठीक है आईसी की जो वैल्यू फाइंड आउट कर रहे थे हमने किया क्या था कि आई की वैल्यू निकाल रहा है उसके बाद आई इज इक्वल टू बीटा आई ठीक है हर जगह पे हम इसी इक्वेशन को आई की इक्वेशन निकालने के लिए हर जगह पे हम यही वैल्यू यूज कर रहे हैं आई इज इक्वल टू बीटा आई ठीक तो यहां से अगर आई uh, की वैल्यू से अगर हम निकालते भी तो आई की वैल्यू क्या आ जाती है आईसी इज इक्वल टू बीटा एंड देन ये पूरा टर्म VCC माइनस वी बी अपॉन आर सी प्लस आर बी प्लस आईसी आर सी अपॉन आर बी प्लस आर सी इसको फर्दर सॉल्व करके हम आईसी की एक वैल्यू फाइंड आउट कर सकते थे देर इज माइनस यानी आईसी का जो ये टर्म बीटा के साथ ये जो टर्म आ रहा है इस टर्म को इधर ले जाते हैं उसके बाद जो भी चीजें आ रही थी उसको हम डिवाइड में लेके आते हैं और देन हमको वहां से एक आईसी की वैल्यू मिल जाती ठीक अब यहाँ पे जब कलेक्टर टू बेस बायसिंग की बात करो या फिक्स बायस की बात करो यहाँ पे आईसी जो है वो बीटा पे डिपेंडेंट है बट सेल्फ बायस सर्किट में अभी हमने आईसी फाइंड uh, नहीं की है अगर हम आईसी फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पे जो आईबी आईसी uh, आएगा ठीक है अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है तो वो आईसी बीटा से इंडिपेंडेंट आएगा ठीक है अब जैसे कि ये ये क्वेश्चन जो केवीएल की ये क्वेश्चन हमने यूज की थी लेट्स से इसको हम इक्वेशन नंबर वन दे रहे हैं यूजिंग दिस इक्वेशन हम ये इक्वेशन यूज करके यहाँ से आई की वैल्यू फाइंड आउट करना चाह रहे हैं जिसमें ये आई का टर्म ना हो अभी हमने जो आई की वैल्यू फाइंड आउट की थी इन टर्म्स ऑफ आई सी फाइंड आउट की थी अब हम क्या करना चाह रहे हैं कि हाँ इस इक्वेशन से आई की वैल्यू फाइंड आउट करना चाह रहे हैं और जिसमें ये आई का टर्म ना हो और इस आई की जगह पे हम बीटा बी पुट कर देंगे और वहां से फिर हम आई बी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे नो no. इक्वेशन क्या थी वीबी माइनस माइनस आई बी आर बी माइनस वी बी ई माइनस आई बी इंटू आर ई माइनस आई सी इंटू आर ई इज इक्वल टू जीरो ये हमने केविल से फाइंड आउट किया था और यहां से फिर हमने आई बी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ आई सी फाइंड आउट की थी ठीक है वो वैल्यू हमने ये वाली वैल्यू आईसी <coughs> के टर्म्स में क्यों फाइंड आउट की कि भाई रीजन था कि हमें डेबर आई बी बाईर आईसी निकालना है तो ये टर्म अपने आप कुछ ना कुछ हमें देके जाएगा ठीक है यही टर्म हमको डेबर आई बी अपन डेबर आई आईसी की वैल्यू देके जाएगा इसलिए हमने यहाँ पे बीटा आई बी वाला टर्म नहीं इंट्रोड्यूस किया था बट यहाँ से इस जगह से हमें बेसिकली आईसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है सॉरी आई बी की वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है जहाँ पे आई सी नहीं होगा तो आई सी की जगह पे हम क्या लिख देंगे बीटा आई बी माइनस आई बी आर ई माइनस बीटा आई बी इंटू आर ई इज इक्वल टू जीरो ठीक है यहां से अगर आई बी की वैल्यू हम फाइंड आउट करें तो आई बी कॉमन ले लिया लेस से और इधर भेज दिया सारे आई बी के टर्म को ठीक है आर बी प्लस आर ई प्लस बीटा आर ई इज़ इक्वल टू वी बी माइनस वी बी ई तो यहाँ से आई बी इज इक्वल टू अगर हम निकालें तो ये सिंपली आएगा वी बी माइनस वी बी ई अपॉन आर बी प्लस वन प्लस बीटा आर ई हमने ये सिंप्लीफिकेशन बस इसलिए किया है कि यहां पे हम सिंपली चाह रहे हैं कि हाँ ये देख शो करने को कि जो तुम्हारा आई है उसकी वैल्यू क्या है ठीक है विदाउट यूजिंग आईसी हम जैसे यहां पे भी हमने तुमको बताया करेक्टर टू बेस वाले में हाँ यहां पे तो यहां पे भी हम यही काम कर सकते हैं और यहां पे भी आईसी की जगह पे बीटा आई बी पुट करके फिर आई बी की जो नई वैल्यू है वो फाइंड आउट करके देन आई सी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे अगेन बीटा आई बी यूज करके ठीक है यहां पे भी ये काम कर सकते हैं बट हमें सेल्फ वाइज में इसकी नीड है क्योंकि यहां पे एक एक्स्ट्रा एक, 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 पार्ट आ रहा है उसको देखने के लिए यहाँ पे अगर हम आरबीजी जो है वेरी वेरी लेस देन ले वन प्लस बीटा आर ई से ठीक है रीजन ये जो बीटा की वैल्यू है ये क्या है ये भी काफी हाई है और अगर हम वहां पे अमीटर रेजिस्टेंस भी हाई ले लेंगे तो ये टोटल टर्म जो हो जाएगा वो आरबी से हमने इस तरह से अपना जो सिलेक्शन किया है रेजिस्टेंस का दोनों रेजिस्टेंस का वो इस तरह से ही किया है कि ये कंडीशन फुलफिल हो रही है प्लस बीटा जो है वेरी वेरी ग्रेटर देन आर बी हो जाएगा ठीक है यही सेम एक्सप्लेनेशन हम कलेक्टर टू बेस बायस में नहीं करते क्योंकि वहां पे आरसी की वैल्यू वहां पे यहाँ पे आरसी की वैल्यू कहीं ना कहीं आ रही होगी और उस आरसी की वैल्यू की डिपेंडेंसी की वजह से हम ये सारी कैलकुलेशन हम कलेक्टर टू बेस बायस में नहीं करते ठीक तो यहाँ पे अगर हम ये कंडीशन मान लें तो आरबी को हम निग्लेक्ट कर सकते हैं जो बेस रेजिस्टेंस है उसको हम निग्लेक्ट कर सकते हैं और आई की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं वी बी माइनस वी बी ई अपॉन वन प्लस बीटाई ठीक ये आईसी की लेस से इक्वेशन आ गई आई की अब यहां से अगर हम आईसी फाइंड आउट करें तो आईसी इज इक्वल टू क्या होगा बीटा आई बी वो किसके बराबर हो जाएगा आईसी इज इक्वल टू बीटा वी बी माइनस वी बी ई अपॉन वन प्लस बीटा आर ई अब एक और अजम्पशन है कि बीटा जो है वो इतना हाई है कि बीटा की वैल्यू और वन प्लस बीटा की वैल्यू अप्रोक्सीमेट इक्वल है बीटा जो है हमारा हाँ, बीटा की जो वैल्यू है वो इतनी हाई है कि उसमें वन ऐड करने पे भी कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है उसकी वैल्यू पे ठीक है तो बीटा इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू वन प्लस बीटा और उसकी वजह से ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और आईसी की वैल्यू जो मिलेगी यहाँ से VB minus VBE upon RE. ठीक ये वैल्यू इंपॉर्टेंट है कि इन केस कभी भी वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग में तुमसे डायरेक्ट कहीं पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आईसी कलेक्टर करंट अगर पूछता है तो सिंपली तुम ये इक्वेशन से सॉल्व करके आंसर बता सकते हो सर्किट देख के तुम ये आंसर बता सकते हो कब कब जब बीटा लार्ज हो ठीक है बीटा की वैल्यू लार्ज हो मीनिंग बीटा की वैल्यू लार्ज होने का मतलब कहीं पे हमें यूज करनी ही नहीं पड़ेगी जहां पे बीटा वाले टर्म आ रहे होंगे वहां पे बीटा की वैल्यू नहीं यूज करनी पड़ेगी विदाउट बीटा मतलब बीटा की वैल्यू लार्ज होने के बाद जब हम जो अजम्पन्स लेके जो आईसी की वैल्यू निकाल रहे हैं हमें वो वैल्यू यूज करनी है ना, अब हमने स्टेबिलिटी फैक्टर क्या फाइंड आउट किया था एस इज इक्वल टू वन प्लस बीटा अपॉन वन प्लस बीटा आर ई

Re. इसको फर्दर लिख सकते हो वन प्लस बीटा आर बी प्लस आर ई अपॉन प्लस वन प्लस बीटा आर ई ठीक अगेन जो हमने अजम्पन लिया था कि वन प्लस बीटा आर ई बहुत ज्यादा ग्रेटर देन है इस आरबी से वन प्लस बीटा आरबी बहुत ज्यादा ग्रेटर देन है इस आरबी से तो हम क्या करेंगे निग्लेक्ट कर देंगे इस आरबी को इफ वन प्लस बीटा इंटू आर ईज वेरी वेरी ग्रेटर देन आरबी देन स्टेबिलिटी फैक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा वन प्लस बीटा इंटू आर बी प्लस आर ई अपॉन वन प्लस बीटा आर ई और यहां से हमें स्टेबिलिटी फैक्टर इज इक्वल टू मिल जाएगा आर बी प्लस आर ई अपॉन आर ई दिस इज इक्वल टू वन प्लस आर बी अपॉन आर ई तो देखो अगर हम वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग में हमें यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि इन केस अगर बीटा लार्ज हो और वन प्लस बीटा इंटू आर की वैल्यू आर से बहुत ज्यादा हो तो उस केस में आईसी यानी कलेक्टर करंट जो है वो बीटा की वैल्यू पे डिपेंडेंट नहीं है मीनिंग वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग में हमने केवल आईसीओ की डिपेंडेंसी कम करने की कोशिश की थी मीनिंग हमने जो वोल्टेज डिवाइडर स्टार्ट कलेक्टर की, मतलब की, की वजह से जो कलेक्टर करंट में चेंज आ रहे हैं उन चेंजेस के लिए हमने सारी एनालिसिस करना स्टार्ट किया था स्टेबिलिटी फैक्टर फाइंड आउट करना स्टार्ट किया था बट यहाँ पे हमें एक चीज और भी दिख रही है कि जो तुम्हारी यहां पे कलेक्टर करंट है वो बीटा पे भी डिपेंडेंट नहीं है जो वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग है उसमें अगर आप बीटा की वैल्यू लार्ज ले लोगे तो लार्ज बीटा के लिए आईसी की वैल्यू बीटा पे डिपेंडेंट नहीं है हमने ये देखा था कि बीटा की वैल्यू की वजह से भी कलेक्टर करंट में चेंजेस आते हैं ठीक तो ये ये जो है ये बीटा पे भी वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग जो है वो बीटा पे भी डिपेंडेंट नहीं है आगे चल के अभी देखोगे कि जब आप डिफरेंट टाइप के बीजेटीज लेते हो सर्किट में अगर आपने एक बीजेटी लिया उसका बीटा कुछ और होगा दूसरा बीटा बीजेटी लेके आए उसी सर्किट में लगाया तो उसके बीटा की वैल्यू अलग होगी रीजन कि वहां पे जो मटेरियल हम यूज करते हैं उस मटेरियल की वजह से और फैब्रिकेशन की वजह से हम मतलब इतनी इक्वलिटी कभी नहीं ला सकते कि हाँ दोनों दो ऐसे बीजेटी हम फैब्रिकेट कर सके जिनके बीटा जो ये करंट गेन है वो तुम्हारा सेम हो तो बीटा की वैल्यू जैसे ही आपने ट्रांजिस्टर चेंज किया जैसे ही आपने बीजेटी चेंज किया दूसरा बीजेटी आया दूसरा बीजेटी में उसका बीटा जो होगा वो तुरंत चेंज हो जाएगा तो वो सर्किट वो बायसिंग सर्किट जो बीटा डिपेंडेंट ना हो वो हमारे लिए ज्यादा हेल्पफुल है क्योंकि यहाँ कलेक्टर करंट जो है वो बीटा पे डिपेंडेंट नहीं है लेस से हमने किसी बड़े सर्किट में इसको यूज किया होता इस पूरे वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग में वाले जो सर्किट था ये वाला इस सर्किट को हमने किसी काफी बड़े सर्किट में यूज किया होता तो ठीक है और वहां पे ये एम्प्लीफिकेशन दे रहा होता लेस ए कि uh,

तुम्हारा जो टोटल सर्किट का आउटपुट होगा वो चेंज होगा टोटल सर्किट आउटपुट जो होगा वो चेंज होगा जबकि सेल्फ बायस सर्किट या वोल्टेज डिवाइडर बायस सर्किट में आईसी की वैल्यू बीटा पे भी डिपेंडेंट नहीं होती है कब जब तुमने बीजेटी जो फैब्रिकेट किया है उसका बीटा काफी लार्ज हो ठीक है केस जब भी तुम्हें वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग का मान लो कोई क्वेश्चन मिलता है और उसमें बीटा लार्ज दिया हुआ है और वहां पे कलेक्टर करंट पूछी है तो ये इक्वेशन यूज कर लो डायरेक्ट स्टेबिलिटी फैक्टर पूछा गया है तो डायरेक्टली ये इक्वेशन यूज कर लो मीनिंग अगर तुम्हें वोल्टेज डिवाइडर में लार्ज बीटा दिया है या बीटा की वैल्यू नहीं गिवन है दोनों केसेस में अगर बोला गया लार्ज बीटा है तो भी तुम्हें यही इक्वेशन यूज करनी है अगर बीटा की वैल्यू नहीं दी हुई है तो बाय डिफॉल्ट हम मान लेते हैं कि बीटा की वैल्यू यहाँ पे लार्ज होगी ठीक है और फॉर लार्ज बीच, बीटा ये जो स्टेबिलिटी फैक्टर है तुम ये यूज करोगे मीनिंग तुम्हारे पास सर्किट हो तुम सर्किट देख के ही बता दोगे कि भाई हाँ आरबी की वैल्यू कितनी गिवन है ये देख लोगे आरई की वैल्यू देख लोगे और तुरंत स्टेबिलिटी फैक्टर फाइंड आउट कर लोगे क्वेश्चन करो फाइन स्टेबिलिटी फैक्टर ऑफ अ गिवन सर्किट ये तुम्हारा गिवन सर्किट है इसका तुम्हें स्टेबिलिटी फैक्टर फाइंड आउट करना है देखो फाइंड आउट करो पहले केवीएल अप्लाई करो केवीएल अप्लाई करके आई बी की वैल्यू फाइंड आउट करो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करोगे यहाँ पे जितनी भी वैल्यूज हैं लेट्स से इनको हम RB की वैल्यू ये हमने फाइव किलो ओम ले ली है आर सी की वैल्यू हंड्रेड किलो ओम ले ली है आरई की वैल्यू टेन किलो ओम ले ली है ठीक जब भी इस तरह से तुम्हारे पास स्टेबिलिटी फैक्टर फाइंड आउट करने का क्वेश्चन आता है और ये वीसी तुमने 5 वोल्ट ले से दे दिया ठीक तो एक तो केस है कि तुम्हें डायरेक्टली सर्किट तुम पहचान पा रहे हो ठीक कोई गिवन सर्किट जो तुमने तीनों बायसिंग पढ़ी उन्हीं बायसिंग का कोई सर्किट है तो तुमने डायरेक्टली सर्किट में का फार्मूला रखा स्टेबिलिटी फैक्टर का डायरेक्ट फार्मूला रखा और आंसर फाइंड आउट कर लिया दूसरा तरीका ये है कि सिंपली जैसे अभी हमने डिफरेंट बाइसिंग सर्किट का हमने स्टेबिलिटी फैक्टर फाइंड आउट किया है वैसे उसका स्टेबिलिटी फैक्टर फाइंड आउट करो जब अननोन सर्किट हो तुमको फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है उसका सिंपली स्टेबिलिटी फैक्टर फाइंड आउट करो वही स्टेप्स कि यहाँ पहले आई की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ आईसी फाइंड आउट की देन उस आई की वैल्यू को डिफ्रेंशिएट किया पार्शियली और स्टेबिलिटी फैक्टर का जो ये फॉर्मूला है वन प्लस बीटा अपॉन वन माइनस बीटा डेबर आई आई बी अपॉन डेबर सी तो इस फॉर्मूले में हमने पुट कर दिया ठीक है यहाँ पे गिवन है बीटा इज इक्वल टू हंड्रेड एंड वी बी ई इज इक्वल टू जीरो पॉइंट सेवन वोल्ट ये जितनी वैल्यूज दी हुई है ठीक इन वैल्यूज को एकदम लास्ट में जब स्टेबिलिटी फैक्टर का फॉर्मूला फाइंड आउट कर लो उसके बाद सारी वैल्यूज को पुट करना स्टार्टिंग में मत पुट करना ठीक तो कैसे करेंगे देखो ये है प्लस माइनस यहाँ पे करंट जा रही होगी आई बी यहाँ पे करंट जा रही होगी आई सी एंड दिस इज आई अब यहाँ से वी सी सी माइनस आई बी आर बी माइनस वी बी ई प्लस आई ई आर ई इज इक्वल टू जीरो अब इस आई ई की जगह पे जो आई ई है इस आई ई की जगह पे पुट करेंगे माइनस आई बी प्लस आई सी कोशिश करो ये क्वेश्चन खुद से ही ट्राई करो वी सी सी माइनस आई बी आर बी माइनस वी बी ई प्लस माइनस हो जाएगा जब माइनस आई बी प्लस आई सी रखेंगे आई ई की जगह पे तो ये माइनस हो जाएगा Minus RE into IB plus IC is equal to zero VCC minus IBRB minus VBE minus RE IB माइनस आर ई आई सी इज इक्वल टू जीरो ठीक यहां मन करे तो आई बी की वैल्यू निकालो इन टर्म्स ऑफ आई सी या फिर सिंपली इसी इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू पार्शियली डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू आई सी नो, तो एक आ जाएगा डेवर बाय डेवर आईसी ऑफ वीसीसी माइनस डेल बाय डेल आईसी ऑफ आईबी इनटू आरबी माइनस डेल बाय डेल आईसी इनटू ऑफ वीबी माइनस देखो इन जनरल तुम्हें बस इतना फाइंड आउट करना है कि आईबी की <coughs> एक इक्वेशन ऐसी मिल जाए केवीएल से जिसमें तुम्हारे आई और आई दोनों के टर्म्स हो, ठीक इन जनरल तुम्हें जो जब भी आई और आई बी की इक्वेशन निकालनी होगी तो इन जनरल तुम्हें यही जो कलेक्टर लूप है मीनिंग सॉरी बेस लूप है जो इस वी को इंक्लूड कर रहा है वो लूप जो इस वी को इंक्लूड कर रहा है इसी कलेक्टर लूप में ही इन जनरल तुम्हें केवीएल अप्लाई करना होता है डेबर आई डेबर बाई डेबी आई हो गया माइनस डेल बाय डेल आई सी ऑफ आर ई इंटू आई बी माइनस डेल बाय डेल आई सी ऑफ आर ई IB is equal to zero. अब ये टर्म है विद रिस्पेक्ट तो आई, आई सी। ये है पे पे मिल जाएगा. यहां पे आई बी आई सी मिलेगा आरबी यहाँ पे कांस्टेंट है ये टर्म कांस्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू तो आई सी जीरो हो जाएगा यहां से आपको माइनस देबर आ, देबर आई बी अपॉन डेबर सी और आर ई यहाँ पे है, ये आई सी होगा राइट और ये क्या आ जाएगा डेबर सी अपॉन डेबर सी वन हो जाएगा माइनस आर ई इज इक्वल टू जीरो तो यहां से अगर डेबर आई बी अपॉन डेबर आईसी की वैल्यू फाइंड आउट करें तो वो क्या आ जाएगी आर ई अपॉन आर बी प्लस आर this one is also minus hmm. इतनी चीजें फाइंड आउट कर पा रहे हैं यहां तक फाइंड आउट कर पा रहे हैं से आप सिंपली एस इज इक्वल टू क्या निकाल लेंगे वन प्लस बीटा अपॉन वन माइनस बीटा इंटू माइनस आर ई अपॉन आर बी प्लस आर ई और यहाँ पे अब सारी वैल्यूज जितनी भी वैल्यूज यहाँ पे गिवन थी ये सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर सकते हैं अब ये जो क्वेश्चन में जो ये सर्किट गिवेन है ना ये वाला ध्यान से देखो तो इस सर्किट में और जो तुमने फिक्स्ड बायस सर्किट पढ़ा था यहाँ पे देखो फिक्स्ड बायस सर्किट जो पढ़ा था ये इन दोनों सर्किट में डिफरेंस क्या है यहाँ पे अमीटर साइड पे कोई रेजिस्टेंस नहीं लगा है और वहां अमीटर साइड में एक रेजिस्टेंस लगा है वहां पे अमीटर साइड में एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है ये तो ये जो सर्किट हमने देखा ये वाला जो सर्किट हम देख रहे हैं ठीक है इस सर्किट को हम बेसिकली बोलते हैं मॉडिफाइड फिक्स्ड बायस सर्किट मॉडिफाइड फिक्स्ड बायस सर्किट ठीक है तो यहां पर आरबी और आरसी की जो वैल्यूज हैं, सेम वै और वीसीसी की जो वैल्यू है <coughs> सेम यही वैल्यूज पुट करके फिक्स्ड बायस सर्किट का भी एक बार स्टेबिलिटी फैक्टर फाइंड आउट करना और देन इसका स्टेबिलिटी फैक्टर इसका स्टेबिलिटी फैक्टर तो अभी हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया है। और चेक करना है कि दोनों के स्टेबिलिटी फैक्टर में किसका स्टेबिलिटी फैक्टर ज्यादा आ रहा है कि जैसे यहाँ पे बीटा की वैल्यू 100 है तो 1 100 अपॉन 1 1 100 RE है तुम्हारा 100 किलो ओम अपॉन RB की वैल्यू है 5 10 टू द पावर प्लस हंड्रेड इंटू ट्री पावर थ्री सॉल्व करो इसको स्टेबिलिटी फैक्टर की वैल्यू बताओ